मेनी स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ प्रिवेल्स इन इंडिया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कूल ऑफ हिंदू लॉ जो है वो इंडिया में कहाँ कहाँ इसका फंक्शन है और कहाँ कहाँ इसको एग्जीक्यूट होता है ये, और ये जो लॉ है ये फैमिली जॉइंट फैमिली लॉ है। ठीक है, ये किसी स्टेट का या कंट्री का लॉ नहीं है। ठीक है, फर्स्ट है मिताक्षरा, मिताक्षरा ये जो है, और सेकंड है इसका दयाभागा। ये दो स्कूल दो इम्पॉर्टेंट है इसमें से, और ये जो लिया गया है मनुस्मृति से लिया गया, मिताक्षरा एंड दयाभागा। अब मिताक्षरा को जो है ए बी सी डी इसमें चार उसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है मिताक्षरा, मिताक्षरा स्कूल प्रिवेल्स इन ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट बंगाल, ठीक है, एंड आसाम। मिताक्षरा स्कूल जो है ये ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट होता है, ये जॉइंट हिंदू फैमिली के लिए स्पेशल लॉज है, जो इसके स्कूल्स भी है जो इसमें पढ़ाया जाता है कि भाई आपको आपकी फैमिली जो है और ये फैमिली में जो ट्रेडिशंस आ रहे हैं उसके रूल्स रेगुलेशंस और ये इसके जो मीन्स जो भी इसमें जैसे एडॉप्शन पार्टीशन डिवाइडेशन स्त्री धन या एक्वायर ऑफ प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी ये तमाम चीज़ों को इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसका नाम है इसलिए मिताक्षरा इसमें। ठीक है, सेकंड दयाभागा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ए स्कूल है इसका द्रविड़ और मद्रास स्कूल, ये इसका स्कूल है साउथ इंडिया में। ठीक है, सेकंड है महाराष्ट्र और बॉम्बे स्कूल, ये है महाराष्ट्र में सेकंड स्कूल। थर्ड है इसका बनारस स्कूल जो कि यूपी में है। थर्ड है फोर्थ मिथिला स्कूल नॉर्थ बिहार में। ठीक है, और इसका सेकंड है दयाभागा जो है स्कूल है, ये इसका फंक्शन और इसको फॉलोअर्स इसको फॉलो करने वाले त्रिपुरा वेस्ट बंगाल एंड आसाम में है। ठीक है, इसमें खास यही है कि भाई ये जो भी तमाम चीज़ें दयाभागा मिताक्षरा जो भी लिया हुआ है इसमें से ये आपको मनुस्मृति में से लिया गया और ये हिंदू रिलीजन के लिए इसके स्कूल्स है और इसको हिंदू रिलीजन के जॉइंट फैमिली के जो रूल्स रेगुलेशंस है या जो भी चीज़ उनके जॉइंट फैमिली में इसकी नेसेसिटीज़ है इसको इसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसको फॉलो किया जाता है। तो मिताक्षरा को फॉलो करने वाले कुछ लोग हैं इंडिया में और दयाभागा को कुछ 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 स्टेट्स में फॉलो किया जाता है, वेस्ट बंगाल आसाम एंड त्रिपुरा में यहाँ पे दयाभागा को फॉलो किया जाता है और इसको मिताक्षरा को फॉलो किया जाता है। ओके, ठीक है, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी मिताक्षरा एंड दयाभागा। ओके, डिफरेंस बिटवीन दयाभागा एंड मिताक्षरा, दयाभागा इज रिटन बाय द जमुतवाहना, मिताक्षरा इज रिटन बाय दी विघ्नेश्वरा। ठीक है, और ये कमेंट्रीज से स्मृति की कमेंट्रीज से लिया हुआ है। ठीक है, दयाभागा सन राइट आफ्टर द फादर्स डेथ, दयाभागा में जो सन का राइट है वो फादर के डेथ के बाद होता है। ओनरशिप ऑफ द सन आफ्टर द फादर डेथ देर इज नो राइट बाय बर्थ, इसमें बाय बर्थ राइट नहीं होता है दयाभागा में, राइट बाय बर्थ इसमें जो है बाय बर्थ राइट है सन का ग्रैंड सन का एंड ग्रेट ग्रैंड सन का, और फादर एंड सन हैज इक्वल राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जैसे कि भाई बच्चा अभी बाई बर्थ पैदा हो गया तो वो अपना सीधा राइट में उसका राइट हक उसके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसका हकदार हो गया हो। ठीक है, दूसरा है सर्वाइवरशिप, सर्वाइवरशिप दयाभागा में जो सर्वाइवरशिप है नॉट अलाउड, नॉट अलाउड मीन्स कि भाई जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जैसे आपके फादर है और ग्रैंड फादर की आपकी प्रॉपर्टी है, आपके फादर के जो भाई अंकल है अगर वो उसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, मीन्स वो अपने लाइफ को उसमें इंजॉय नहीं कर सकते, उस पैसों से वो यूज़ उस पैसों को यूज़ नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टीज की, और इसमें ब्रदर हैव राइट टू सर्वाइवरशिप ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर जो मिताक्षरा में है इसमें जो है आपके अंकल है जैसे आपके ग्रैंड फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर ये आराम से अगर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास में, वो अनएम्प्लॉयड है और उनके पास में वर्क नहीं है तो उसमें ये प्रॉपर्टीज़ को इंजॉय कर सकते हैं, उसके पैसे को ये लोग इंजॉय कर सकते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, सेकंड ये हो गया सर्वाइवरशिप, थर्ड फोर्थ हो गया विडो राइट्स, विडो दयाभागा में विडो राइट ऑन प्रॉपर्टी, इसमें विडो को जो है राइट है दयाभागा में प्रॉपर्टी, जैसे कि आपके अंकल की डेथ हो जाए और आपकी आंटी है तो जो आपके अंकल का जो शेयर होता है वो शेयर्स में उनको राइट दिया जाता है उनकी विडो को। ठीक है, और मिताक्षरा में विडो राइट फॉर दी मेंटेनेंस, इसमें जो विडो को है उसको मेंटेनेंस का राइट है, जैसे कि आपके अंकल किसी कार्यवश गुजर गए और उनकी डेथ हो गई
तो उनको, उनकी जो वाइफ है मींस आपकी आंटी को, उनको जो है मेंटेनेंस का राइट होता है, और इसमें उनको टाइटल ओनरशिप नहीं दी जाती। अगर उनको कोई समझो मेल इशू है, बेटा है उनको आपकी आंटी को, तो उनको टाइटल ओनरशिप नहीं दी जाती, और उसमें सेपरेट होना चाहिए। अगर टाइटल शिप है तो, अगर वो सेपरेट है और उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी और थे, तो तभी उनको टाइटल ओनरशिप, उनको सेपरेट टाइटल ओनर मिल सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ इसमें आपको टाइटल ओनरशिप मिताक्षरा में स्कूल में नहीं मिलता। और इसमें विडो का जो है राइट जो है, उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में उनके है दयाभागा में, और नहीं भी है, अगर सिंगल भी है या यूनाइटेड नहीं है, सेपरेटेड भी है, तो भी आपको इसमें दयाभागा में उनकी जो जॉइंट फैमिली की जो एंसेस्टर्स प्रॉपर्टीज रही थी या उसमें जो भी रहता है, उसमें से आपको उसके विडो को हिस्सा दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया सपिंडा रिलेशनशिप। जो सपिंडा रिलेशनशिप आप मालूम है आपको कि ब्लड रिलेशनशिप होता है, सपिंडा रिलेशनशिप, तो इसमें जो है कि भाई सपिंडा रिलेशनशिप को सिर्फ स्पिरिचुअल पर्पस के लिए अलाउड किया जाता है। जैसे कि भाई आपके कोई ग्रैंडफादर है वो गुजर गए और आपके फादर अभी नहीं है, और कोई आपके जो ब्लड रिलेशन में फादर के, तो वो लोग आपको स्पिरिचुअल पर्पस के लिए अलाउड कर सकते हैं। जैसे उनका अंतिम संस्कार करना है, या किसी बुजुर्ग का कोई भी अंतिम संस्कार होता है, या स्पिरिचुअल कोई भी मोक्ष का जो भी उनका स्पिरिचुअल कार्य वर्क रहता है, उस वर्क के लिए उसको राइट दिया जाता है स्पिरिचुअल पर्पस के लिए सपिंडा रिलेशनशिप, ना ही उसको किसी प्रॉपर्टी के लिए राइट के लिए इसमें स्पिरिचुअल सपिंडा में अलाउड किया जाता है। इसमें सपिंडा में जो है, इसमें जो हेयर्स मान के चल सकते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन में, जैसे कोई दूर का आपका ब्लड रिलेशन में है और उसको भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो दादा परदादा की जो प्रॉपर्टी होती है आप लोग की, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ में वो भी लीगल है सपिंडा रिलेशनशिप में है, तो वो भी अगर आपका कोई मेल मेंबर है तो वो भी आपको सपिंडा रिलेशनशिप में राइट मांग सकता है उसके अंदर, ठीक है। इसमें लीगल हेयर बन सकता है उसके अंदर मिताक्षरा में, ठीक है। ये हो गया सेकंड। अब है डॉटर्स का राइट बाय बर्थ इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में है, फादर की प्रॉपर्टी में, दयाभागा में, जो वेस्ट बंगाल में इसका अप्लीकेबल है, वेस्ट बंगाल आसाम त्रिपुरा में जो अप्लीकेबल है दयाभागा, इसमें आपको बाय बर्थ डॉटर्स को राइट है, ठीक है। तो इसमें आपको राइट मिलता है, इसमें डॉटर्स को राइट बाय बर्थ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज में नहीं दिया जाता है मिताक्षरा स्कूल में, ठीक है। मगर एक चीज़ ऐसा है कि भाई अभी सुप्रीम कोर्ट ने नई रूलिंग्स दी हुई है कि भाई आपका स्कूल कोई भी हो, दयाभागा हो हिंदू रिलीजन में, या आपका मिताक्षरा हो, या दयाभागा स्कूल से हो आप, या मिताक्षरा से हो, किसी से भी हो, आपको बाय बर्थ अगर जो भी है गर्ल्स को या डॉटर्स को फादर की प्रॉपर्टी में से देना पड़ता है। जो बॉयज़ का शेयर है वो शेयर्स उनको गर्ल्स को भी देना पड़ता है, ठीक है। डॉटर को, सन्स को, डॉटर्स को, दोनों को इक्वल राइट देना पड़ता है। आज सुप्रीम कोर्ट का इंडियन लॉ है, जो सुप्रीम कोर्ट का अमेंडमेंट किया हुआ है हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत, ठीक है, ओके। और इसमें हो गया को पार्टनर मीन्स एक आखिरी है कोपार्टनर, कि भाई कोपार्टनर होता है जैसे कि आपके अंकल है, कोपार्टनर है दयाभागा में, जैसे कि आपके अंकल कमा के ला रहे हैं और उसमें शेयर है, असेंबल करके सब बिजनेस चला रहे हैं, या जो भी उनका पूरा मिल के चल रहा है आपकी फैमिली में पूरा, तो उसमें अगर कुछ ऐसा डिस्प्यूट आता है या कोई ऐसा मसला आता है, तो उसमें कोपार्टनर में जो है कि भाई आपके अंकल सेपरेट होना चाह रहे हैं या अपनी प्रॉपर्टीज़ को या अपने शेयर को बेचना चाह रहे, तो इसमें बेच सकते हैं, ठीक है, दयाभागा में वो अपने शेयर को डिस्पोज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है मिताक्षरा में, अगर उसमें जॉइंट में आप कर रहे हैं मिलके, आपकी फैमिली में आपके अंकल वगैरह जो भी इंडिविजुअल कमा के लेके आ रहे हैं, उसमें फैमिली में आप डाल रहे हैं उसमें पैसा, या जो भी इसमें आप शेयर डाल रहे हैं, तो वो डिस्पोज करने का आपको उसमें राइट नहीं रहता है, ठीक है। ये हो गया कोपार्टनर का। और इसमें कुछ नया है क्या इसमें? हाँ,